साशिका मैं हूं प्रिया शुक्ला कृषि खबर पंप पर स्टिल इंडिया स्क्वाड का स्वागत है। सबसे पहले नजर मारते हैं आज के मुख्य सुर्खियां। पंजाब च कनक की खरीद पहली तो मंडियां च किसान नहीं होंगे खजल खुआर, किते जाएंगे खूबता प्रबंध। पंजाब च किसानों को बैसाखी तक मिलेगा फसलों का मुआवजा, खेती बाड़ी मंत्री ने दिए निर्देश। नामीबिया तो दुनिया की माता चीता ने चार तंदुरुस्त बच्चे ने दिया जन्म, अधिकारियों ने दी जानकारी। इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड ने गोल्ड सिल्वर अवार्ड नाल किया गया सम्मानित। टैक्स दातावां लई वड्डी खुशखबरी, आधार नूं पैन कार्ड नाल लिंक करन दी आखिरी तारीख मुड़ वधी। पंजाब हरियाणा च मीह दी भविष्यवाणी, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुराक के सिविल सप्लाई विभाग के अधिकारियों नाल मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने आने वाली सीजन लई मंडियां च पुख्ता प्रबंध ते चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह किसानों के एक एक दाने की निर्विघ्न खरीद को यकीनी बनाए। मीटिंग दौरान मंत्री मान ने दसिया कि आरबीआई वालों पंजाब च कनक की खरीद लई सीसीएल लई 29,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर किया गया है। इस राही हुण किसानों को मंडियों से खजल खुआर नहीं होना पवेगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा ते उन्होंने उसे वेले भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को उनके उत्पादन की अदायगी खरीद के पहले दिन भाव 1 अप्रैल 2023 तो यकीनी बनाया जाए ते कणक की खरीद लई पुख्ता प्रबंध किए जाए ताकि किसानों को किसी भी किस्म की असुविधा का सामना ना करना पड़े। पंजाब के खेतीबाड़ी मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने किसानों तक जल्दी तो जल्दी बैसाखी तक मुआवजा पहुंचाने लई अधिकारियों नाल मीटिंग की। इस दौरान मंत्री धालीवाल ने खेती विभाग के सारे फील्ड अधिकारियों को बीते दिन मीह कारण खराब हुई फसलों के असल आंकड़े जल्द तो जल्द भेजने के हुक्म दिए। उन्होंने नकली खादा से नकली कीटनाशक दवाइयों बारे गंभीर नोटिस लिया गया ऐलान किया कि खेती ही किसानों की सहूलत लई एक वक्रा शिकायत नंबर जारी किया जाएगा। मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने किसानों को भरोसा दिवाते हुए कहा कि वह चिंता ना करें, उन्होंने नुकसान की भरपाई जिनी जल्दी हो सके उन्नी जल्दी की जाएगी। नामीबिया तो मध्य प्रदेश के पूरा नैशनल पार्क चलिया की माता चीता ने चार तंदुरुस्त बच्चों को जन्म दिया। पार्क च नामीबिया तो लिया माता चीता चाशा की 27 मार्च में मौत होने तो 2 दिन बाद यह सुनने आया। दरअसल पिछले वर्ष सितंबर महीने कुल 20 चीते जिन्होंने नामीबिया तो 8 से दक्षिणी अफ्रीका तो 12 शिवपुर जिले के पूरा नैशनल पार्क चलिया गए। अधिकारियों ने दसिया कि यह मनिया जा रहा है कि माता चीता के बच्चों का जन्म 5 दिन पहले होया पर अधिकारियों वालों उन्होंने अज देखा गया। बच्चों की माँ सियाया है जिसन नामीबिया तो 8 होर चीतों के नाल इतने लिया गया। उन्होंने दसिया कि माँ के बच्चे दोनों तंदुरुस्त हैं। इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड IIL ने एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड एक सितारा निर्यातकार श्रेणी विच साल 2018-19 लई गोल्ड अवार्ड ते विच साल 2019-20 लई सिल्वर अवार्ड नाल सम्मानित किया गया। इस समारोह का आयोजन फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने मुंबई विखे किया। वनज ते उद्योग राज मंत्री अनुप्रिया पटेल, नीराजेश अग्रवाल MD इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड ते श्रीकांत सतवे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के मुखी पुरस्कार प्रदान किया गया। इस ते उन्होंने कहा कि यह मानता उत्तमता प्रति उन्हां दी अटूट वचनबद्धता ते ग्राहकां दी बेमिसाल गुणवत्ता ते प्रदान करने लई उन्हां दे दृढ़ यत्नां दा प्रमाण। टैक्स दातावां नूं कुछ होर समां देण लई पैन दे आधार नूं लिंक करन दी मिति 30 जून 2023 तक वधा दित्ती गई। इस नाल व्यक्ति बिना किसी प्रभाव दे पैन आधार लिंक करन लई निर्धारित अथॉरिटी नूं अपने आधार नूं सूचित कर सकदे। पहला पैन ते आधार नूं लिंक करन दी आखिरी मिति 31 मार्च सी जिस नूं 3 महीने लई वधा दित्ता गया। 1 जुलाई 2023 तों अनलिंक कीता गया पैन नतीजियां दे नाल अयोग हो जाएगा। 1,000 रुपए दी फीस दा भुगतान करन तों बाद निर्धारित अथॉरिटी नूं आधार दी सूचना देण ते पैन नूं 30 दिनां च दोबारा चालू कीता जा सकदा। देश च हुण तक 55 करोड़ तों ज्यादा लोग अपने पैन नूं आधार नाल लिंक कर चुके हैं। पंजाब ते हरियाणा च किसान दी मुश्किलां घटण दा नाम नहीं लिया गया। पिछले हफ्ते पई मीह करके हुए फसलें दे खराबे तो किसान अजे उभरे नहीं सन। मौसम विभाग ने दोवां सूबियां च 30 ते 31 मार्च मीह ते गड़ेमारी दी भविष्यवाणी की। इस दे नाल ही 40 तों 50 किलोमीटर प्रति घंटे दी रफ्तार नाल तेज हवावां चल सकदियां। मौसम विभाग ने दोवां सूबियां च ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग तों मिली जानकारी अनुसार अज पछमी बिगाड़ विच आ गया राजस्थान तों गरम ते चमक वाले बदल बाद दोपहर पंजाब ते हरियाणा वल वधणगे। इस दे नाल सूबे च किते किते भारी मीह ते नाल गड़ेमारी हो सकदी है। इस तरह 31 मार्च में पंजाब सारा दिन मीह ते तेज हवावां चल सकदे जदों कि 1 अप्रैल में मौसम खुश्क रहेगा ते मुड़ 2 अप्रैल में मौसम खराब हो सकता है। यह समाज दी खेतीबाड़ी दी खास खबर नवीं ते ताज़ा खबर जानने लई अज सब्सक्राइब करो।